क्या पकड़ो
देखिए कि वहाँ के प्रोग्राम्स के साथ साथ यहाँ पर इंकरेज करते हैं यहाँ के आर्टिस्ट को, बॉडी बिल्डर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को। और आप तमाम लोगों को मालूम होगा कि जब मैंने मिस्टर वर्ल्ड हासिल किया था, उसके बाद मुझे मिस्टर यूनिवर्स का मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मिस्टर यूनिवर्स का सिलेक्शन के बाद मैं ये सोच लिया था कि ये मिस्टर यूनिवर्स मुझे नहीं करना है, क्योंकि कई चीज़ों का वहाँ पर मुसीबत और परेशानी का मुझे सामना करना पड़ा और मैं नर्वस हो गया था कि मिस्टर वर्ल्ड जीतने के बाद भी मुझे गवर्नमेंट से और दूसरे लोगों ने सपोर्ट नहीं की, तो मैं नर्वस हो गया था। लेकिन इफ्तिखार शरीफ साहब वो शख्स हैं जिन्होंने मेरी हिम्मत बांधी और इन्होंने मुझे मिस्टर यूनिवर्स के लिए स्पॉन्सर किया। बाद मुझे वहां पर सिक्स पोजीशन हासिल हुई, वरना मैं वो कंपटीशन नहीं करने वाला था। मैंने कहा आज आप तमाम लोगों को मालूम है हम लोग किस किस लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे जो बॉडी बिल्डर हैं मोहम्मद अनवर, जिन्होंने अभी अभी मिस्टर एशिया में सिक्स पोजीशन इन्होंने हासिल की और मिस्टर वर्ल्ड के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। वो मिस्टर वर्ल्ड के लिए 29 को यहाँ से निकलेंगे और दिल्ली से मंगोलिया के लिए निकलेंगे। काफी मुसीबत और परेशानी ये उठा रहे हैं। मैं तमाम मीडिया से भी ये बात कह रहा था, हमारे अबू अहमद साहब को भी मालूम है शुरू से, क्योंकि जो स्टोरी अबू अहमद साहब ने कवर की थी, तकरीबन 20 लाख लोगों ने वो इनकी स्टोरी को पसंद किया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बहुत कम लोग आगे आए इनको स्पॉन्सर करने के लिए, जैसा कि स्पोर्ट्स इनको स्पॉन्सरशिप में आगे आने में हमारे अरफात साहब का बहुत बड़ा रोल रहा मजलिस के। और उसके बाद हमारे जिम के मेंबर भी हैं एक्स में, माजिद हुसैन साहब ने इनको सपोर्ट की और साथ में तो संतोष कुमार साहब लगे हुए हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। मेरा मकसद ये यहाँ पर ये प्रोग्राम रखने का यही है कि इनको सपोर्ट की जाए, इनको स्पॉन्सर किया जाए, क्योंकि हैदराबाद का ये लड़का 15 साल के बाद कोई लड़का मिस्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इनको सपोर्ट करना चाहिए तमाम लोग और इनका यहाँ पर फेलिसिटेशन होगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फेलिसिटेशन इनका प्रोग्राम, अनवर से ही हम शुरू करते हैं, फिर बाद में दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, पत्थरगट्टी के हमारे कारपोरेटर, ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन के होनहार लीडर और जज्बाती लीडर जो कि अभी सुर्खियों में है, आप तमाम लोग पहचानते हैं महमूद कादरी साहब को, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम फेलिसिटेशन का प्रोग्राम शुरू करते हैं अनवर से। मैं इफ्तिखार शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अनवर को फेलिसिटेट करें। लेकिन उससे पहले हमारे तमाम जिम मेंबर्स में कह रहा था ट्रेडमिल पे से उतर जाइए प्लीज, क्रॉस स्टैंडर्ड पे से इधर करीब आ जाइए। योगनेश मैं से कह रहा था कि पहले आप ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद हम जरूर एक्सरसाइज करेंगे। देखिए आप रेस्पेक्ट दीजिए बॉडी बिल्डर्स को प्लीज, आप उधर से आ जाइए आप लोग प्लीज। मैं अनाउंस पहले किया था कि प्रोग्राम के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, आ जाइए वहां से। तो अब आप लोग देखिए तमाम जिम मेंबर्स और तमाम बॉडी बिल्डर्स यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने किस तरीके से मेहनत की है। पहले इनका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ये यहाँ पर 7 पोजेस देंगे, शरीफ साहब उनको फेलिसिटेट करेंगे। आप तमाम लोगों से यहाँ पर प्रोग्राम रखने का मेरा मकसद ये है कि तमाम जिम मेंबर्स इनसे इंस्पायर हो और इनको देखें इन्होंने किस तरीके से बॉडी बनाई है। मेरा मकसद, मैं बड़े ऑडिटोरियम में भी ये प्रोग्राम कर सकता था, इन्हों जीत के आने के बाद बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनका फॉर्म तमाम जिम मेंबर्स देखें और इनसे कुछ सीखें। मेरा मकसद यही है, यहाँ पर छोटा मतलब इतने लोगों को बुला के, बड़े बड़े लोगों को बुला के जिम में प्रोग्राम करने का मकसद यह है कि हमारे जिम मेंबर्स इंस्पायर हो, मेरा यही मकसद है। मैं अब अनवर से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी टी शर्ट निकाले और 7 पोजेस भाई थोड़ा पीछे आ जाओ और मैं वेलकम करता हूँ और हमारे
हमारे बीच में मुनव्वर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो करीब आ जाए। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। भाई भाई आपका लाइव है, मेरे को भी रिकॉर्ड करना है। राजेश भाई भी हमारे बीच मौजूद है। राजेश यादव साहब आप स्टेज पे तशरीफ लाए, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो कि अभी वीएस लक्ष्मण के खास दोस्त हैं, ये भी हमारे बीच मौजूद हैं। थोड़ा आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा थोड़ा पीछे हटिए, क्योंकि बुरे लोगों को देखो। अब मैं पोजेस कहूंगा, अनवर पोजेस देंगे। चलिए फर्स्ट पोज डबल वाइज। देखिए बॉडी बिल्डिंग के मतलब कंपलसरी पोजेस होते हैं जो कि स्टेज पे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अभी अभी दो दिन पहले मिस्टर ओलंपिया हुआ, आप लोगों ने देखा मिस्टर ओलंपिया में जो 7 पोजेस थे वही पोजेस अनवर देंगे। फर्स्ट पोज डबल वाइज। Third was half chest. तमाम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, अनवर के वालिद साहब बीमार होने के बावजूद अनवर ने अपनी बॉडी को मेंटेन किया। उनके वालिद 2 महीने से हॉस्पिटल में थे, केयर हॉस्पिटल में पैरालाइज होने के बावजूद उसके बाद भी इन्होंने वालिद की खिदमत करते हुए अपनी बॉडी को मेंटेन किया। जोरदार तालियां। Side triceps with calf. देखिए तमाम बॉडी बिल्डर्स जिम के हमारे मेंबर्स मौजूद हैं, और से देखिए आप लोग भी बन सकते हैं अच्छी मेहनत कर आप लोग। फेलिसिटेशन होगा हमारे आज के चीफ गेस्ट इफ्तिखार शरीफ साहब, अनवर को फेलिसिटेट करेंगे। Inshallah, Anwar bhai, we all wish you very good luck
इंशाल्लाह आप जरूर जीतेंगे। कर रहे हैं कैमरा खराब हो गया आज। अभी नैना जायसवाल का फेलिसिटेशन होगा, जो कि हमारे इंडिया के लिए इन्होंने एशिया में मेडल हासिल किया था पाकिस्तान में, और अभी अभी हमारे वुमेन्स में और गर्ल्स के दोनों चैंपियनशिप आपने जीती। अपने स्टेट से फर्स्ट रैंक आपका है, और इंडिया में ओवरऑल इंडिया में इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया, और एशिया में इन्होंने पाकिस्तान में जाके मेडल हासिल किया। इफ्तिखार शरीफ साहब नैना जायसवाल का। श्रीथर जो कि हमारे जिम के मेंबर भी हैं, इन्होंने अबूधाबी में 25th चेस ओपन चैंपियनशिप में आपने सिल्वर मेडल हासिल किया। अबूधाबी सिल्वर मेडल हासिल किया। हमारे मिस्टर वर्ल्ड मोतीश्याम फिटनेस क्लब के सबसे छोटे मेंबर हैं। उनका मेडल और कप भी हमारे बीच मौजूद है। ये कप है, इन्होंने वहाँ पर हासिल किया था। थोड़ा अश्वनी भाई इनको मेडल जो वहाँ पर दिए थे, मेडल नंबर लेके वहाँ जो है चांद में निकला हुआ। वर्कआउट करना है।
फ्यूचर के हमारे आनंद आनंद फ्यूचर के आनंद देखने वालों को भी तकलीफ होती अच्छी बात लेने वालों को तकलीफ होती है जोरदार तालियां मैडम और हमारे राजेश यादव साहब का फेलिसिटेशन होगा जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और वीवीएस लक्ष्मण के खास दोस्त हमारे बीच मौजूद हैं हमारे मल्लापल्ली के डायनामिक लीडर हमारे सर काफी साल हमारे आज के हमारे गेस्ट अगस्त्य जयसवंत जो कि बहुत कम उम्र में डिग्री में आने वाले ये 13 इयर्स में ये डिग्री कर रहे हैं 11 इयर्स और जोरदार तालियां जोरदार तालियां हमारे मिस्टर एशिया संतोष कुमार साहब भी मौजूद हैं कैसल कुर्सी का हिफाजत के लिए हिदायत हमारे शरी भाई को भी एक हम लोग सूर्य यासीन का एक मोमेंट ऑफ पेश करेंगे शरी भाई को और मजीद बरकत के लिए अभी अच्छा
ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लिया जाएगा, अभी कुछ ही देर में हमारे महमूद भाई कुछ आप लोगों से एड्रेस करेंगे, फिर एड्रेस करके चले जाएंगे। एक मिनट दो अशार हमारे बॉडी बिल्डर्स के लिए, फिटनेस के ऊपर दो अशार बोलके कर रहा था। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह से दुआ करूँ आपको कामयाबी से अमकिनार करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप आपके वालिद मोहतरम की दुआएं लेके जा रहे हैं। जो औलाद अपने माँ बाप की दुआएं लेती तो उसकी तरक्की ऐसी होती है जो लाजवाब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की खिदमत करके जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह लाजवाब कामयाबी से अल्लाह हमकिनार करेगा। कि मैं मोहतशाम की नज़र एक शेर अर्ज करता हूँ कि अल्लाह को नजर वसे हो जाए कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना नैना के लिए भी है बेटा, आपके लिए भी है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे बिखरना कमाल होता है। मैं विश करती हूँ कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीते और हमारा तिरंगा लहराए। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस फेलिसिटेशन सेरेमनी में। और मैं कहती हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी में हार और जीत देखे हैं पर मेहनत करना कभी नहीं छूटा। और ये समझना जरूरी है कि जब शेरनी छलांग मारती है तो एक कदम पीछे लेती है और 10 कदम ऊंचा छलांग मारती है। मैंने भी यही किया और आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। तो ताला है जो मुकाम अभी बाकी है, अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। जब इस इरादे से तब मैंने सरजमीन पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया, कसम भारत माता की ऐसा मजा मैंने कभी नहीं पाया। और ना दौलत पे नाज करते हैं ना शौहरत पे नाज करते हैं, हमें हिंदुस्तान में पैदा किया इसलिए हम हिंदुस्तानी होने पर नाज करते हैं। और मैं बुलंद आवाज में कह सकती हूँ कि हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप जिंदगी में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो मान लो कि जो सफर की शुरुआत करता है मंजिल उसी को पार होती है।
बस एक बार साथ चलने का हौसला तो रखिए, क्योंकि अच्छे दोस्तों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। और मैं कहती हूँ कि आप सभी को हिंदू धर्म से ज्ञान, मुस्लिम धर्म से शक्ति, ईसाई धर्म से प्रेम, सिख धर्म से आनंद, जैन धर्म से अहिंसा और सन्यास धर्म से पवित्रता का आचरण करना चाहिए। और सबको मिलाकर एक खिलाड़ी का धर्म बनता है। तो फिर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मन में हो विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे। हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदलेंगे। ये इरादे को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। और मैं ये भी कहती हूँ कि महत्ता कभी नहीं गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। तो चिंता को चिता बनाकर रखनी चाहिए, शक्ति को दया का सागर बनाकर रखना चाहिए, मेहनत को मेहमान बनाकर रखना चाहिए और सपनों को अपना बनाकर रखना चाहिए। और हमें ये विश्वास करना चाहिए कि समय ही बलवान है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये हमें सफलता देती है। तो फाइनली आई पे माय ग्रेटिट्यूड टू मोनिशा अंकल एंड संतोष अंकल एंड शरीफ अंकल फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू नैना। नैना से आप लोग स्पीच सुन रहे थे, मैं भी आप लोगों के सामने शेयर आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, क्योंकि यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया जो बना के अपना रास्ता फिर से निकल गया। तो इसीलिए अपने रास्ता बनाना है। और हमारे बीच यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आज मैं नासिर जो है कनाडा से यहाँ पर आए हुए हैं, मैं नासिर से कहूँगा कि वो फिटनेस के तालुक से एक 4 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन दे, फिर उसके बाद इफ्तिखार शरीफ साहब की स्पीच होगी। और मैं जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच आसिम जो हेवीवेट चैंपियनशिप परसों लिए हैं बॉडी बिल्डिंग में, मैं उनको वेलकम करता हूँ, जो कि हमारे तेलंगाना स्टेट के ये पहले बॉडी बिल्डर है 6 feet 4 inches के जो बॉडी बिल्डर है, जिन्होंने पहली मरतबा स्टेट को रिप्रेजेंट किया। ऐसे बॉडी बिल्डर हमारे पास पहले नहीं थे और ये हमारे खुशनसीबी है कि वो हमारे जिम में प्रैक्टिस करते हैं। जोरदार तालियां आसिम के लिए। और ये भी इंटरनेशनल लेवल की बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं आसिम। और इनके साथ साथ मैं वाहिद को भी वेलकम करता हूँ जो स्टेट चैंपियन है, मिस्टर इंडिया में कई बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं और बॉडी पावर फिटनेस में आपने अपना लोहा मनवाया है। मैं गुजारिश करूंगा कैमरामैन से कि हमारे आज के चीफ गेस्ट की ये दोनों दुआएं लेंगे, हमारे चीफ गेस्ट के साथ दोनों फोटोज लेंगे। वाहिद और आसिम के लिए फोटो के लिए हमारे शरीफ भाई के साथ एक स्नैप लेंगे दोनों। जोरदार ताली आसिम और वाहिद के लिए। ये दोनों बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने स्टेट चैंपियनशिप में अपना रोल अदा किया। और थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच श्रीतन की मम्मी भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। आपके दो लड़कियां हैं, एक लड़का एक लड़की है, दोनों भी चैंपियन है, चेस चैंपियन है। परसों मुझे चेस स्कूल में जाने का वहाँ पर मौका मिला था, आप लोगों के बीच बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ पर आप लोगों ने मुनाकिद किया हमारे चेस चैंपियंस के लिए, किड्स के लिए ये प्रोग्राम था। तो आपकी लड़की ने भी मेडल हासिल किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और श्रीतन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि श्रीतन, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आनंद हम्पी और हरि कृष्णा के जैसा नाम कमाए, हमारी आपकी दुआएं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे और मेहनत करेंगे। और इसके साथ साथ मैं नासिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए, 5 मिनट का प्रेजेंटेशन आपका होगा फिटनेस के बारे में है। आप लोग एक्सरसाइज थोड़ी देर रोक दो, बल्कि मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कह रहा हूँ, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। देखिए आप थोड़ा प्रेजेंटेशन होगा, फिर उसके बाद इफ्तिखार शरीफ साहब की स्पीच होगी और उसके बाद हमारे अगस्या जायसवाल 4-5-6 रन को सुनाएंगे। Yeah, okay.
लेके चल जाते फिटनेस एक ऐसी चीज है जो हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। लोग फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग मिक्स्ड अप कर देते हैं। फिटनेस एक डिफरेंट चीज है और बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन से किया जाता है। यहाँ पर सब लोग मौजूद है, यहाँ पर कौन कौन हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं? एज ए पेशेंट कोई जाना पसंद करता? कोई भी नहीं, कोई भी जाना नहीं पसंद करता। लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाने के लिए क्या एफर्ट्स है हमारे? कुछ एफर्ट्स है, यानी अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हमारे घर में हर किसी के पास एक टू व्हीलर है। टू व्हीलर का जो है हम मेंटेनेंस करते हैं, एवरी मंथ जो है 1000-2000 इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर। लेकिन हमारी बॉडी के अगर हम पार्ट देखेंगे, अगर हमारी किडनी एक से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके लिए 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हमारी जो है हार्ट हम किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए 25 लाख, लीवर का एक छोटा पार्ट हम दे रहे हैं तो 30 लाख, डिपेंड्स ऑन अवर बॉडी। और अगर हमारी बॉडी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन में आप जो है वैल्यू उसकी 1000 करोड़ में हो जाएगी, 1000s of crores। तो हम करोड़ की बॉडी को जो है मंथली कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, मेंटेनेंस के लिए। फिजिकल एक्टिविटी और जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन दोनों जरूरी है। पहले यानी हिस्टोरिक एज में लोगों की मौत किस तरह से होती थी? वार्स की वजह से होती थी, यानी जंग होती थी, इस वजह से मौत होती थी। उसके बाद आया इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज में जो है लोगों की मौत जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से होती थी। लेकिन अब उसका भी अवेयरनेस आ गया, अब वो चीज़ भी हट गई। अभी जो है हमारी जो मौत हो रही है, यानी नॉर्मल ह्यूमन बींग की जो मौत हो रही है, बीमारियों से होती है। किस तरह की बीमारियाँ? हाइपरटेंशन, नमस्कार एवरीबॉडी, हम गैदर किए टुडे। आज यहाँ पर हम सब जमा हैं कि मोहम्मद अनवर साहब हैदराबाद की शान, तेलंगाना की शान है, कई मेडल उन्होंने हासिल किए हैं और उनको ये मौका दिया जा रहा है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अभी अभी इंटरनेशनल भी इन्होंने जीत के आए हैं, मिस्टर एशिया और मिस्टर यूनिवर्स में भी पार्टिसिपेट करके पोजीशंस लाए हैं और अब जो है अपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मंगोलिया में। और हमारी सबकी यही ख्वाहिश है कि ये भी जो है हिंदुस्तान के लिए अवार्ड लेकर आए। जिस तरीके से बॉडी बिल्डिंग जो फेमस हुई है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुतशम अली खान की तरफ से बॉडी बिल्डिंग का आज ये जो शहूर है पूरे नौजवानों में, जो अपने अपने बेकार कामों में होटलों में या डब्बों के पास जो ठहरा करते थे, बॉडी बिल्डिंग करने आ रहे हैं, अपनी अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और रोज हमेशा रेफर करता हूँ कि ये मुतशम अली खान जो है बॉडी बिल्डिंग के मोहम्मद अजहरुद्दीन या तेंदुलकर हैं, कि इन्होंने जो है इतना शहूर जो है हैदराबाद में किया। उन्हीं की वजह से देखें आज कई बॉडी बिल्डर्स बाहर भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। अनवर साहब भी है, अनवर भी अब जा रहे हैं। उनसे यही है कि उम्मीद है कि वो ज़रूर अवार्ड लेकर आएंगे और पोजीशन लेकर आएंगे। और बॉडी बिल्डिंग एक गेम है, बॉडी बिल्डिंग में इसमें जो है हार जीत तो लगी होती है। बात हमारी शायद अब नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनका अब ये फरीजा हो गया है कि अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी तरह आपका भी वही होता है कि आप अवार्ड्स लाएं, पोजीशन लाएं और दूसरों को भी सपोर्ट करें। तो यही है और मेरी तरफ से भी पूरी सपोर्ट है। अभी आपसे बातचीत नहीं हुई है, अभी बात होने के बाद जो भी इनके अखराजात वगैरह रहेंगे उसमें ज़रूर मेरी तालुन करूँगा और उनके हेल्प करूँगा। फिर से एक बार मुबारक रोशन, शुक्रिया, जय हिंद। भाई कल ये पढ़ा दो 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 द